स्वागत है तुम लोगों का पमकिन पैनिक के एक और नई वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे खेल सकते हो पमकििन पैनिक को जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है बहुत आसान है पर बाकी सब लोग इसे मुश्किल बना रहे हैं तो प्ले करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें इस गेम में करना क्या है हमें फार्मिंग करनी है पैसे कमाने हैं अब और अपग्रेड करने हैं जो कि हमें करना ही पड़ेगा अगर हमें इस गेम को पार करना है और आखिर में हमें अपनी एक बोर्ड को ठीक करना पड़ेगा जिसकी मदद मतलब से हम लोग इस घने जंगल से बाहर निकल सकते हैं तो पहला टास्क हमारा ये है कि हम सीट लें उसको प्लांट करें उसमें पानी डालें और उसको ग्रो करें और सीट के भी फोर सेटमेंट होते हैं पहला होता है जिसमें आप सीट प्लेस करते हो दूसरा स्टेटमेंट में थोड़े से बड़े हो जाते हैं पानी डालने के बाद तीसरे स्टेटमेंट भी थोड़े से और बड़े हो जाते हैं और चौथम में वो बड़े हो जाते हैं और आप जब उसको तोड़ते हो तो उसके अंदर से आपको पैसे मिलते हैं तो वही पैसे से फिर आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं और अपग्रेड के भी बहुत सारे तरीके हैं पर अभी मैं वो नहीं बताने वाला हूँ अभी मैं ये बताता हूँ कि ये किनारे में दो बार दिख रहे हैं एक वाटर के लिए बार है और एक ऑयल के लिए ऑयल को मैं बाद में बताऊँगा पहले वाटर में बताता हूँ जो हम वेल से पानी भरते हैं वो यहाँ पर भरता है मतलब ये पानी की टंकी है जो कि जब हम लोग पानी भरते हैं तभी भरती है जब हम लोग पानी नहीं भरते तभी लोग खट्टे हैं क्योंकि क्रॉप्स के लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है तो अभी इसके बारे में बात नहीं करते अब इसके बारे में बात करते हैं कि हम लोग अपग्रेड कैसे करते हैं तो अपग्रेड में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आप देख सकते हो जैसे एक अपग्रेड बकेट उसमें हमारा जो बकेट है वो इनहेंस हो जाएगा इसका मतलब कि हम इसमें ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं सेकेंड नंबर पर है ये वेल वेल से जो हम लोग पानी निकालते हैं वो पानी निकालने की स्पीड बढ़ जाएगी थर्ड नंबर पर है ये जूता जो हम लोग स्प्रिंट करते हैं उसका टाइमिंग बढ़ जाएगी जूते से फोर्थ नंबर पे है वो कॉइन जिसकी मदद से हम लोग जो अपना क्रॉप्स उगाते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी जो कि पहले पाँच में बिक रही है वो दस में बिकेगी जो दस में बिक रही है वो बीस से बिकेगी जो बीस में बिक रही है वो तीस में बिकेगी और जो उसके बाद में जो पछवी चीज़ है वो होती है कि जिससे जिसकी मदद से हम लोग फार्म लैंड कर सकते हैं जिसमें हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं और उसमें हम लोग और ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं और उससे हम लोग को ज़्यादा पैसा मिलते हैं और जितना ये वाला तो बहुत बेकार क्रॉप है पर इसके बाद में जो क्रॉप आते हैं वो अच्छी क्रॉप होते हैं उसमें आपको ज़्यादा पैसे देखने को मिलते हैं जो कि अच्छी बात है और ये कि उसी के पार्ट्स है कि एक कम उससे ज़्यादा फिर उससे भी ज़्यादा फिर उससे भी ज़्यादा और उसके बाद आता है ये ऑयल रिफिल जो कि ऑयल की टंकी भी कम होती है उसको बढ़ने के लिए ये ऑयल की टंकी वाला इस्तेमाल होता है इसके मदद मतलब से ये एक बार में फुल हो जाता है उसके बाद आती है लैंटन जो हमारे खेत के पास में जो लैंटन है वो उसकी लाइट को इन्हेंस कर देगा जिसकी मदद मतलब से दूर दूर तक रोशनी हो जाएगी और उसके बाद है मोटर पीस जिस जिस मोटर को हम लोग को अपने बोट पे लगाना है जिसकी मदद मतलब से हम लोग का बोट ठीक हो जाएगा और हम यहाँ से निकल पाएंगे घने जंगल से क्योंकि ये बहुत बकवास जगह है तो अभी के लिए तो मैं ये रेड की खरीद लेता हूँ रेड सीड भी क्योंकि रेड की का जो फार्म का जो एरिया है वहीं पर ये वाला सीड लगता है और जो हम लोग ये वाला सीड है वो सीड को यहाँ पर नहीं लगा सकते ये भी गेम का ही पार्ट है और ये फार्म खरीदने का ये भी फायदा है कि आप यहाँ पर क्रॉप उगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी क्रॉप उगाने से आपको पैसे ही मिलते हैं जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि अभी धीरे धीरे रात होने वाली है और रात में गेम बहुत ज़्यादा खराब नहीं लगती है पर उतनी है भी नहीं क्योंकि रात में बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं जैसे डियर वाला मॉन्स्टर शायद वो तो सुबह को आता है और एक अजीब जैसा मॉन्स्टर आते हैं उसके अलावा यहाँ पर एक जोकर भी आता है उस जोकर का आपको बैलून देना पड़ेगा जो कि मैं आगे दिखाने वाला हूँ और जो ये हम लोग का ऑयल कंटेनर है उसकी मदद से हम लोग आ डालने से लैंटन निकाल सकते हैं और वही लैंटन जब हम लोग चलाते हैं तब हम लोग का ऑयल कंटेनर लो होते जाता है और जब ये लो हो जाता है तब हम लोग का लैंटन अंधेरे में बंद हो जाता है जो बहुत ज़्यादा डरावना लगता है तो इस वजह से ये ऑयल कंटेनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है और मैं अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अब सच में डर लग रहा है और ये वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने पहले बता ही दिया था इसमें कैसे काम करते हैं जैसे कि अभी बहुत रात हो रही है तो हम लोग कमरे के अंदर भी नहीं रह सकते क्योंकि अगर उसके अंदर वो लैंटर्न अगर बुझ गया तो हम लोग के बेड से से नीचे से एक मोइटर बाहर निकलेगा जो कि कुछ इस प्रकार का होता है बहुत डरावना उसके मरने से अच्छा है कि हम जोकर से मर जाएं बहुत ही बकवास मौत होती है जैसे कि आप सुन सकते हो कि अभी जोकर गाना बजने लगा है तो हम उसका मतलब कि जोकर आ चुका है बैलून लेके तो हम लोग को इसका बैलून लेना है और दूसरे जोकर के पास पहुंचा देना है जो कि यहीं के यहाँ आस पास घूमते रहते हैं उसको जाकर ये बैलून देना पड़ेगा अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो जोकर हमने हमारी ज़िंदगी हराम करके रख देगा क्योंकि हम लोग घर के अंदर भी नहीं रह सकते घर के अंदर भी घुस के मार देगा कहीं भी जीने नहीं देगा जोकर अगर आप उसको ये बैलून नहीं दोगे तो तो ये गेम का बहुत बड़ा टास्क है अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो ये गेम को पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तो अभी मैं जोकर को ढूंढ रहा हूँ कि जोकर है कहाँ पर है जोकर कहाँ चल गया और हाँ मैं ये बात बताना भूल गया था कि जो मैं अभी टास्क कर रहा हूँ उसका नाम है कि फॉलो माई सॉन्ग ये है इसका टास्क का नाम जो कि अभी मैं कर रहा हूँ तो दूसरा जोकर था मुझे अभी तक मिल ही नहीं रहा तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मुझे अभी जोकर मिल चुकी है तो मैं इसे अभी बैलून दे देता हूँ और ये हमारी जान को बख्श देगा क्योंकि हम लोग ने इसका खोया हुआ बैलून जो दे दिया जो कि दूसरे जोकर के पास था और अभी बहुत ज़्यादा रात हो रही है अरे नहीं मेरे लैंडन का ऑयल ख़त्म हो रहा है वो जल्दी से जाकर घर में अंदर ऑयल को भरना पड़ेगा वरना अंधेरे में कौन भरना चाहेगा वैसे भी इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है नहीं यही होता है जब हम लोग अपना ऑयल को नहीं भरते हैं हम लोग का लैंड है वो बुझ जाता है घूम रहा है जिसका नाम तो मुझे नहीं पता है पर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है अगर वो एक बार मार दिया तो पूरा गेम ख़त्म क्योंकि गेम में तो एक ही लाइफ होते हैं जो व्यापार हुआ बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मैंने बताया तो भी नहीं भरा मैं कर क्या रहा हूँ तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी सुबह तो हो ही चुकी है मतलब हो गई है और ये मेरा फर्स्ट नाइट सर्वाइव हो चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था पर मैंने सर्वाइव कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी भी था और इस दिन हमें वही सब फालतू से काम करनी है फार्मिंग करनी है अपग्रेड करनी है और ये सब करने के बाद ही मैं मिलता हूँ तो मैं लकड़ी और घास फूस जमा कर रहा हूँ ताकि मैं उसको इस क्रोबार वाले के पास बेच सकूँ था और इसमें मुझे थोड़ा सा पैसे मिल सके क्योंकि देख रहे हो मेरे पास ज़ीरो रुपीज़ है और ये जो सामान होते हैं ये हमें क्रोई डाल के देता है जो कि जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले ही देखा तो मैं चलो यहाँ से और देखता हूँ यहाँ पर कुछ है ये है इसको ले लेता हूँ और यहाँ पर ये यह भी है इसको ले, ले लेता हूँ और ये पर उठा नहीं सकता मैं यहाँ पर एक और है ठीक है यहाँ से मैं ले लिया नहीं नहीं डियर के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना मुझे बहुत ही बेकार चीज़ है ये अचानक से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है और जो मारती है ना चार जनों तक तो याद रहता है उससे दूरी रहता है क्योंकि सुबह भी कुछ कुछ मॉन्स्टर आते हैं जैसे कि ये एक डियर इससे थोड़ा तो दूर रहना और एक और मॉन्स्टर आता है जो कि अभी तक आया नहीं है पता नहीं क्या कर रहा है वो घास बैठ के सो गया लगता है और ये वाले क्रॉप्स जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारा पैसा मिलता है तो उसे ज़रूर इस्तेमाल करना तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो जैसे कि मैं इस सीन में थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर दिया था क्योंकि मेरे पीछे हिरन जा रही थी और मैं यहाँ पर आ गया और अगर वो हिरन यहाँ पर आ गए तो मैं मेरे भागने का कोई चारा ही नहीं बचेगा कोई एंगल नहीं बचे वाला है कि मैं कहाँ से भागूंगा और ये मैंने बेवकूफ़ी कर दिया था जिसकी वजह से मुझे इसका भी सेकेंड पार्ट बनाना पड़ेगा तो जैसे कि हम देख सकते हैं एक मॉन्स्टर आ रहा है और वो हमको मार देता है और यहीं पर चार पीस रखते हैं मोटर वाले तो हमें इसी बोर्ड को ठीक करके यहाँ से भागना है तो अभी करने वाला है इस गेम का दी एंड क्योंकि मैं इसका एक और पार्ट बनाने वाला जिसके अंदर मैं पूरा गेम खेलूंगा और लास्ट में मैं उसे कंप्लीट करके रहूँगा कि आखिर में कैसे इसको पार करना है तो अब मिलने वाले हम लोग नए वीडियो के साथ तब तक लिए चिल्ड्रेन टेक केयर एंड बाय बाय